3.2 तो हो गया ना, 3.3 का ना, उसमें जो स्टेप लिखी है ना फर्स्ट सेकंड, वो स्टेप तुमको नोट डाउन करना है, ठीक है? उनको मैं करके दिखा रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं, तुमको उसको नोट डाउन करना है, ठीक? तो 3.3 3.3 में सबसे पहले लिखा हुआ है, चेक करो 3.4.1 वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि लिखी हुई है, उसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? थ्री पॉइंट फोर नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दो इक्वेशंस गिवन होगी, ठीक है? दो इक्वेश दो इक्वेशन 7x-5y इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है टू वेरिएबल में, 15y और एक है x 15y, एक इक्वेशन है x+2y इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, स्टेप फर्स्ट तुमको है ना, हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना है, किसका, एक्स या वाई किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकालेंगे और उसको किस में उठा के रख देंगे, इक्वेशन टू में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट इस वाली से निकाल रहा हूं एक्स का वैल्यू, बाया इक्वेशन सेकंड हम लोग यहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे कि, तो वो आएगा 3-2y, ये आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट हो गई, स्टेप टू क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाला है उसको उठा के रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है? हमने जो वैल्यू निकाला है वाया इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसमें ये 3 वाला, ये जो निकाल के लेकर आए हैं वैल्यू, इसको रख देंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, 7x का वैल्यू हमने क्या निकाल कर लाए हैं, 3-2y-15y इज इक्वल टू 2। अब ये 7 का 1/1 मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y-15y इज इक्वल टू 2। ये क्लियर है? यहाँ पे नंबर नंबर को अलग ऐड करना है और सब्स्टिट्यूट करना है, और जो वेरिएबल के साथ है उन वेरिएबल को अलग वेरिएबल के साथ, ये 21 को उधर लेकर जाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 14 और 15 मिलके कितना बनेगा, 29। तो 29 आएगा नेगेटिव, 29 बाय जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों के मार्क नेगेटिव हैं, और ये 22 में से 21 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, तो ये कितना आएगा, माइनस का 19 माइनस का 29 बाय, बाय का वैल्यू आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 19/29, ठीक है? ये वाई का वैल्यू आया, इस वाई के वैल्यू को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, और ये जो थर्ड है इसमें भी रख सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो वाया इक्वेशन थर्ड, वाया इक्वेशन थर्ड, तो ये स्टेप टू हो गई। स्टेप थ्री में क्या करना है, वाई का वैल्यू आ गया, अब स्टेप थ्री में वाई का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देना है, इसमें रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 3-2 मल्टीप्लाई, 2 के साथ वाई है तो 2 के साथ वाई का वैल्यू आएगा 19/29, ठीक है? फिर इस 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 29, और यहाँ 1 है तो 1 का टेबल कितने टाइम्स काउंट करेंगे तब 29 आएगा, तो 29 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा, तो उसी का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ तो 29 है ही, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज रहेगा 2 मल्टीप्लाई 19, ठीक है? देन इसके बाद हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे
और x का हमें एक वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 49/29, ठीक है। तो ये x और y के वैल्यू आ गए, बस यही निकालना है सारे क्वेश्चंस में। दो इक्वेशंस गिवन होंगी, किसी एक इक्वेशन से स्टेप फर्स्ट किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालो, स्टेप सेकंड उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, किसी भी नहीं, अगर दो से निकालेंगे तो एक में रखना है, एक से निकालेंगे तो दो में रखना है। स्टेप टू क्या है कि इक्वेशन में उसको उठा के रखना है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करना होता है, एक वैल्यू को उठाओ किसी इक्वेशन से और दूसरे में रख दो, उससे क्या मिलेगा, एक्स या वाई का वैल्यू मिलेगा। उस एक्स या वाई के वैल्यू को उन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी रख लो, उससे हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एक्स का मिलेगा तो वाई का मिल जाएगा, वाई का मिलेगा तो बाद में एक्स का मिल जाएगा। बस हमें यही करना है सारे क्वेश्चंस में, एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करने। अब स्टेप देख लो, वहां पे स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है। थ्री स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर वहां पे प्रूफ लिखा हुआ है ना, कि उसको चेक कैसे करेंगे। तो ये जो वैल्यूज आए हैं ना एक्स और वाई के, अगर हम इनको इक्वेशंस में रखेंगे तो हमें टू मिलेगा। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दें और वाई का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो उन दोनों का आंसर जो है वो हमें टू मिलेगा, और x का वैल्यू यहाँ रख दें y का वैल्यू यहाँ रख दें तो उससे हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। तो उससे हमका हमारा जो आंसर है वो चेक हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आए क्या क्या स्टेप करना है, आ गए नहीं आ गए? तो अभी और क्वेश्चन तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन से काम हो जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो और जो नहीं बनेगा उसको पूछो, ठीक है।